हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स दोस्तों आज देखो शानदार वीडियो आपके लिए लिख रहे हैं फ्रेंड सेंडविक ग्रुप मल्टीनेशनल ग्रुप है स्वीडन का ग्रुप है सो so दोस्तों इंडिया के अंदर हायरिंग कर रहा है बहुत ही बड़ी कंपनी है तो इस ऑपॉर्चुनिटी को मिस मत करना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं सो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले आइए फ्रेंड पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ किस तरह आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मल्टीपल ओपनिंग्स है सो so दोस्तों जो कंपनी है सैंडविक ग्रुप है आपने सैंडविक ग्रुप गूगल के अंदर लिखना है सैंडविक ग्रुप जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप सकते हैं ग्रुप की जो है आपको यहां पर वेबसाइट दिखेगी so, दोस्तों एक इंजीनियरिंग ग्रुप है जो माइनिंग एंड रॉक एक्सकवेशन में काम करता है मेटल कटिंग में काम करता है मटेरियल्स टेक्नोलॉजी काफी बड़ा ग्रुप है कई काम है कंपनी के सो so, दोस्तों यहां पर हमने डायरेक्ट जैसे आपको दिखेगा हमने करियर के पेज पर पे जाना है जैसे करियर्स पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट करियर्स के पेज पे आ जाएंगे इस टाइम आप देख सकते हैं 373 अवेलेबल जॉब्स हैं वर्ल्ड वाइड ठीक है तो हम इंडिया की जॉब्स पे आएंगे तो जैसी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑल कैटेगरीज़ लिखा है कंट्रीज़ लिखा है तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया सेलेक्ट करते ही हम सर्च करेंगे सो दोस्तों सो यहाँ पर आपको इंडिया की लेटेस्ट ओपनिंग्स दिखेगी जैसी पहली आप ओपनिंग देख सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जो कि अभी अभी वैकेंसी आई है एम एन एनालिस्ट आई इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टेक्निकल पब्लिकेशन इंजीनियर तो इस तरह की यहाँ पर ये यह वैकेंसी अलग अलग लगी हुई है जो अलग अभी अभी वैकेंसी आई है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सो दोस्तों इसकी डेडलाइन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई है उससे पहले आप अप्लाई कर ले पुणे महाराष्ट्र के लिए तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं और आपको बता देता हूँ क्या क्या कंपनी ने यहाँ पर मांगा है सो so, दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं सैंडविक ग्रुप के बारे में सो एट सैंडविक वी ऑफर अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आवर डाइवर्स बिजनेस एंड ग्लोबल नेटवर्क इनेबल यू टू एक्सप्लोर आर पोटेंशियल एंड थ्राइव सो दोस्तों यहाँ पर इसी का ही पार्ट है सैंडविक माइनिंग एंड रॉक सोल्यूशन इज अ लीडिंग सप्लायर इन इक्विपमेंट एंड टूल्स सर्विसिज एंड टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर द माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज सो आर एप्लीकेशन एरियाज इंक्लूड रॉक ड्रिलिंग रॉक कटिंग क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग लोडिंग एंड हॉलिंग टर्नलिंग क्वालिंग ब्रेकिंग एंड डेमोलिशन सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टू रॉक टूल डिवीजन एंड द प्रोडक्शन यूनिट इन पुणे वी आर नाउ लुकिंग फॉर आर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग टू ज्वाइनर्स सो दोस्तों यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी आप देखिए यहाँ पर to maintain global level of safety requirements ensuring the process and equipment meets the safety standards 100% compliance for ehs standards prove out of part setup of cnc machines and its operations and make required documentation responsible range for the production planning and execution of day to day production integral part of team in installation and commissioning of new equipment एंड प्रोसेस मेक प्रोसेस एंड फिक्सर ड्राॅइंग रिसर्च करनी है बेंच मार्क इंट्रोड्यूज एंड मेनटेन सेफ्टी प्रैक्टिस ऑल एक्टिविटीज एंड स्पोर्टेड एरियाज आपको ही सपोर्ट करना है टीम को इन कैट ड्राइंग्स एंड लेआउट ड्राॅइंग कोऑर्डिनेट करना है प्लांट इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फॉर शेड्यूलिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिवेलपमेंट एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ सो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट करना एंड फैसिलिटेट फाइव एस एंड पॉइंट काइजन एक्टिविटीज़ फॉर ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए फाइव एस काइजन क्या होते हैं नहीं पता है, तो इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको एक फ़ाइल दी गई है पीडीएफ फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है आपको सिक्सटी पेजेस की फ़ाइल है वो मिल जाएगी तो वहाँ पर आप डाउनलोड करके उसमें हर चीज़ जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के वो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर काइजन एक जापनीज वर्ड है फाइव एस है वहाँ पर हर चीज़ आपको डिटेल में दी हुई है सो देखिए दोस्तों यहाँ इसके लिए एलिजिबल कौन है आवर कैंडिडेट शुड हैन एक्सपोजर इन Production related activities and processes with minimum one year of relevant experience from the इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन अब देखिए यहां पर कंपनी ने कह दिया है मिनिमम एक साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मल्टीनेशनल ग्रुप डायरेक्ट फ्रेशर नहीं मांग रहा है एक साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आप पहले बता दूं 2021-22 वाले यहां पर नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा 2020 या उससे पहले किसी के पास भी मिनिमम वन ईयर एक्सपीरियंस का मतलब है एक या एक से जितने मर्जी ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपकी जो पोजिशन है वो रहेगी ग्रेजु ट इंजीनियर ट्रेनिंग सो दोस्तों आपको जो, जो है एक्सपीरियंस भी प्रोडक्शन लाइन में ही होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन में होना चाहिए ठीक है सो अदर रिक्वायर्ड कंपिटेंसी वी फाइंड नेसेसरी आर फेमर विद बेस्ट पर्सनल सेफ्टी प्रैक्टिस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको बेसिक नॉलेज हो लीन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर प्रोसेसिस फाइव एस्ट नॉलेज हो कैड टूल्स की नॉलेज हो सी एन सी मशीन्स की नॉलेज हो सी एन सी कोर्ड्स की नॉलेज हो जो कि वहाँ पर हमने उस फाइल में भी डाले हुए हैं वहाँ से भी आप सी एन सी कोर्ड्स वगैरह हर चीज़ ले सकते हो वो पी डी एफ फाइल में हर चीज़ आपको मिल जाएगी एम एस ऑफिस आपको आना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रेडी टू टेक अप चैलेंजेस डेडलाइन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कीजिए जैसी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह आपके सामने पेज खुलेगा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सो दोस्तों आप यहाँ पर आप देखेंगे आप आपने भरना क्या क्या है देखिए पुणे के लोकेशन के लिए फिर आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना जैसे आप कहेंगे अप्लाई मैनुअली पे क्लिक करना है आपने जैसी आप क्लिक करेंगे सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है अपना एक्सपीरियंस भरना है वॉल्टी डिस्क्लोज़र भरना है और अपनी जो प्रोफाइल भरा है उसको रिव्यू करना है ठीक है तो बहुत ही सिंपल है आपने किस तरह इस प्रोफाइल के बारे में पता चला तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपने कभी सैंडविक में काम किया है नहीं किया है तो नो कर दिया किया है तो यस कीजिए कंट्री इंडिया आ गई अपना नेम डाल दिया गिवन नेम लास्ट नेम डाल दिया आपने तो अपना एड्रेस डाल दिया सिटी डाल दी पोस्टल कोड डाल दिया अपनी ईमेल आईडी डाल दी फ़ोन नंबर डाल के ठीक है तो इस तरह आपने फ़ोन नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना और ऊपर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं अपना एक्सपीरियंस मिनिमम वन ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए ठीक है वॉल्ट्री डिस्क्लोजर डालिए रिव्यू कीजिए अपनी जो आपने प्रोफाइल बनाया कुछ गलतियाँ हैं उसका रिव्यू करके एडिट कर सकते हैं उसके बाद अपना फाइल सबमिट कर दीजिए मल्टीपल ओपनिंग है मिस मत करना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वन प्लस एक्सपीरियंस वालों के लिए सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे